अलवर जिला अस्पताल में जेब कतरों के हौसले बुलंद है। ओपीडी की लाइन में लग रहे बुजुर्ग की जेब से करीब 21,000 निकाल लिए। लच्छीराम निवासी रभाना सुबह डॉक्टर को दिखाने आया था, जिसकी लाइन में लगते समय जेब कतरों ने जेब काट ली। जेब में 21,000 रुपए थे, जो उसकी 2 महीने की सैलरी थी। बुजुर्ग तिजारा में ही एक बिल्डर के यहाँ चौकीदार का काम करता है, जो 2 महीने की सैलरी लेने के बाद अलवर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराने आया था। जिला अस्पताल में आकर ओपीडी की लाइन में लग रहा था, उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी जेब से सारे पैसे निकाल लिए। बुजुर्ग ने जिला अस्पताल की चौकी में पुलिस को रिपोर्ट दी है। जिला अस्पताल में इसी तरह के मामले कई बार आ चुके हैं, लेकिन लगाम नहीं लग पा रही है। लच्छीराम कहाँ के रहने वाले? तहसील तिजारा। गांव? रभाना। रभाना जी, क्या हुआ है? मेरे 30-31,000 रुपए निकल गए। कहाँ से? ये 10 नंबर में लाइन लगा रखी थी, वहाँ निकल गए लाइन। ये दिखाने आए थे आप? हाँ जी। क्या दिखाने आए? दवाई लेने आया था मैं खुद अपने। क्या हो रहा है आपको? मेरे सिर में और गर्दन में दर्द रहता है। अच्छा, तो फिर लाइन में लग रहे थे जब निकल गए? हाँ जी। तो फिर आप कब पता कब लगा? हाँ, मैं वहाँ से कमरे में घुस गए, कमरे में से बाहर निकले जब खत्म दिए भी नहीं। तो आपको किसी पे संदेह, कोई आसपास था कोई ऐसा आदमी जिससे? अब आस पास तो एक आदमी चल रहा था, मेरे खौवा से खौवा कटते थे उसमें लाइन में, और अब पता नहीं वो कौन था कौन नहीं था। मैं जान थोड़ी उसको अपने पे जानता था। कितने रुपए थे अपने टोटल? टोटल रुपए उसमें देखो जी, ऐसा है अक 38,000 तो हैं, 500 के नोट। अच्छा, और 100-100 के भी, 50-50 के भी, 10-10 के भी हैं, और 200 का भी है। टोटल कितने हैं? वे तो मेरे समारे वोड़े जो खुली फेरी जो रास्ता हुए है उनकी आनी यहाँ है। अच्छा, उसमें 50 के भी हैं, 20 के भी हैं, 100 के भी हैं, और जो वे 38 नोट जो मैं बता रहा हूँ। तो लगभग 20-21,000 रुपये टोटल। हाँ जी। अब आप पुलिस चौकी में आए, पुलिस वाले से मिले? अभी तक तो नहीं मिला, मैं सदा ही हुआ। आप अकेले आए थे गाँव से, कोई और भी था? अकेला ही आया। पैसे किस काम के थे? पैसे तो मेरे वहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ, वहाँ के उस पर रखे हुए थे 2 महीना के लिए। कहाँ पर ड्यूटी करते हैं? मैं वहीं करता हूँ अपने गाँव में ही, उसका वह है वह बिल्डर के पलाता हूँ। 2 महीने की तनख्वाह दी आपकी? हाँ जी। ठीक है।